कॉफी की कीमतें आसमान छू रही हैं। हाल ही के दिनों में इसके दाम में काफी बढ़ोतरी हुई है। कॉफी के भाव पिछले एक साल से ही लगातार बढ़ रहे हैं और बीते एक महीने में कॉफी में काफी तेजी आई है, लेकिन बुधवार को कीमतें उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। फिलहाल कॉफी का दाम 10 साल में सबसे अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले साल भी कॉफी बाजार में तेजी बरकरार रहेगी। ब्राजील, कोलंबिया, वियतनाम और इथियोपिया जैसे देश कॉफी के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक हैं। ब्राजील सहित अन्य देशों में खराब मौसम के कारण कॉफी उत्पादन पर असर पड़ा है। इसके अलावा बीते एक साल में मांग में भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। कॉफी की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे ये प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पोर्ट पर लंबी कतार, किराया भाड़ा में बढ़ोतरी और ट्रांसपोर्ट में परेशानी के कारण इसके भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कोरोना के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण ट्रांसपोर्टेशन का चेन टूट गया था। पहली लहर थमने के बाद ये पटरी पर लौटने की कोशिश कर ही रहा था कि दूसरी लहर ने दस्तक दे दी। अभी भी ट्रांसपोर्ट और सप्लाई का चेन पहले की स्थिति में नहीं आ पाया है। इस कारण अन्य वस्तुओं की तरह ही कॉफी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका असर कीमतों पर देखने को मिल रहा है। कॉफी की मांग में भी काफी इजाफा हुआ है। पहले खपत उत्पादन से कम रहा करती थी, लेकिन अभी ये अधिक है। वहीं USDA के एक अनुमान के मुताबिक साल 2020-21 में कॉफी का वैश्विक उत्पादन 164.8 मिलियन बैग रहा, जबकि खपत 165 मिलियन बैग रही। वहीं कमर्शियल कॉफी की कीमतों में 100% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं स्पेशलिटी कॉफी की कीमतों में 20-30% की तेजी है। अगर भारतीय बाजार की बात करें तो यहां भी कॉफी की कीमतों में बढ़त का दौर जारी है। बीते एक वर्ष में दाम में 100% का उछाल आया है। वहीं पिछले एक महीने में ही 21% की तेजी देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।